Assalamu alaikum. I am Adnan Shuf, faculty member at ComSet Institute of Information Technology, and today is our lecture number 23 regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM 736. Today we are going to cover a new chapter, that is order quantity. Order quantities कैसे define होती है? देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं towards inventory management में. तो inventory management में बहुत important चीज होती है कि कितने amount का order करना चाहिए. That is a very important question. जब हम बात करते हैं, मेरे पास जो order quantity है, वो कितनी आ रही है? किस basis पे आ रही है? उस order quantity को मैंने कैसे और किस हिसाब से मैंने manage करना है? तो इसमें हम लोग वही देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटीज को हमने कैसे और किस हिसाब से मैनेज करते जाना है. बुक्स को देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, दैट इज 6th एडिशन. हर लेक्चर में बताता हूं, उसी का ये चैप्टर है. मेरे ख्याल में आई होप सो दैट इज चैप्टर नंबर 12. यू कैन सी दैट उसमें है यहाँ पे, और ये उसमें आप देखें, जब आपके पास बुक होगी तो आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट से ढूंढ भी लीजिएगा, लेकिन आई होप सो इट्स अ 12th चैप्टर. ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय शेज, वो भी इसमें यूज कर रहे हैं, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय जे हेज, 11th एडिशन. तो ये हमारे पास बुक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर्स क्वांटिटी. ऑर्डर्स की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और उन ऑर्डर क्वांटिटीज को हमने कैसे और किन बेसिस पे लेकर आगे चलना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑर्डर क्वांटिटीज एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिवेलप द ऑर्डर क्वांटिटीज, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटीज कैसे, किस तरह से और किन बेसिस पे बन रहे हैं या किन बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं. तो ऑर्डर क्वांटिटीज को हमने देखना है और ऑर्डर क्वांटिटीज को ही देखते हुए हमने उसे आगे लेकर चलना है. तो ऑर्डर क्वांटिटीज को देखेंगे और साथ ही हम बुक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुक्स हमें रिक्वायर्ड हैं और इन्हीं बुक्स के साथ ही हमने इन्हें आगे लेकर चलना है. दैट मीन्स हाउ दीज बुक्स आर बींग आइडेंटिफाइड एंड हाउ वी आर गोइंग टू एवेलुएट देम, कि एवेलुएट उन्हें हमने किस तरह से या किन बेसिस पे करते जाना है. दैट इज द बेसिक रीजन, और यू कैन से द बेसिक रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी आइटम, कि ईच एंड एवरी आइटम की हमने बेसिक रीजंस को साथ ही लेकर चलते जाना है. ठीक है, तो ऑर्डर क्वांटिटीज को देखेंगे, और ऑर्डर क्वांटिटीज में जरूरी बात है थोड़ा सा न्यूमेरिक चैप्टर है. तो न्यूमेरिक, अब देखिए हमारे पास जो कोर्स है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिक्स चल रहे हैं साथ साथ. हाँ, बहुत एक्सटेंसिव लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं. तो जब न्यूमेरिकल्स हैं तो आपने उसको उसी के हिसाब से या उन्हीं के हिसाब से उसको हमने वेरिएट कराना है, और जैसे जैसे वेरिएट कराएंगे हमने उसी को लेकर फर्दर आगे चलना है. तो जब हमने उसे आगे लेकर चलना है तो दैट मींस कि हमने उसे फर्दर आगे मूव कराते भी जाना है, कि मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं. तो उसमें हम लोगों का इसमें भी जारी बात थोड़ा सा न्यूमेरिक्स होगा. अब ऑब्वियसली एज यूजुअल हमारा ये जो चैप्टर है ये एक लेक्चर में नहीं होगा, जारी बात है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स होते हैं. तो ऐसे हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर इट इन टू लेक्चर्स. कितने में? टू लेक्चर्स में करेंगे, यानी 24th लेक्चर इज आल्सो अबाउट द ऑर्डर क्वांटिटीज. ऑर्डर क्वांटिटीज कैसे मैनेज होती हैं, किस तरह से मैनेज होती हैं, और कैसे मैनेज करके हम फर्दर उसे आगे लेकर आ सकते हैं, यानी ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू सी देम एंड व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट. तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से मैनेज होकर हमारे पास नजर आनी है. तो दैट इज द केस दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व है. तो दैट इज द लेक्चर नंबर 23 को देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे ऑर्डर क्वांटिटीज, ऑर्डर क्वांटिटीज मेरे पास कैसी हैं, किस तरह से हैं, और किन बेसिस पे हमारे पास आइडेंटिफाई होती हैं, या किन तरह से हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है ना, तो यहाँ दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसमें क्या चीजें लेकर चलनी है. तो बुक्स भी हमें बता दी हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे पहले देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है. हाँ, थोड़े से हमने पहले पिछले लेक्चर्स में देखे थे जब हमने इन्वेंट्री फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, दैट इज चैप्टर नंबर 21. तो उसमें ऑब्जेक्टिव देखे थे, इसमें थोड़े से और देखेंगे, रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी ऑर्डर क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. कि जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे और उसी को लेकर हम आगे साथ चलते जाएंगे, किस तरह से हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं. लॉट साइज डिसीजन, क्या चीज आ गई हमारे पास? लॉट साइज डिसीजन, कि एक लॉट का साइज डिसीजन क्या होना चाहिए. इन्वेंट्री मॉडल्स को देखेंगे, कौन कौन से इन्वेंट्री मॉडल्स हैं जो ऑप्टिमल साइजिंग की बातें करते हैं. क्या करते हैं? ऑप्टिमल साइजिंग की बातें करते हैं, कि व्हाट इज द ऑप्टिमल साइज और ऑप्टिमल साइजिंग हमारे पास कितनी आनी चाहिए. इन्वेंट्री मॉडल्स देखें, उसके बाद देखेंगे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज होगी ये हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को देखेंगे. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है या
किस बेसिस पे डेवलप होती है. अच्छा, इसमें हम लोग जस्ट उसका इंट्रोडक्शन करेंगे. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू अ न्यूमेरिक्स ऑफ अ ईओक्यू के न्यूमेरिक्स इंशाल्लाह हमारे किस में होंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में होंगे. रॉबस्ट मॉडल्स हैं कुछ हमारे पास, जो रॉबस्ट मॉडल्स हैं कौन कौन सा रॉबस्ट मॉडल कहलाता है उसको हमने देखना है. रीऑर्डर पॉइंट देखना है, क्या देखना है हमने, रीऑर्डर पॉइंट के रीऑर्डर दोबारा ऑर्डर करने का पॉइंट क्या है और किन बेसिस पे हमारे पास आना है. ठीक है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट. क्या है वो हमारे पास, रीऑर्डर पॉइंट है. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, अब ये नई चीज आ रही है, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, पीओक्यू. यानी पीओक्यू मॉडल क्या होता है और उसको हम लोग किस बेसिस पे करते हैं. जैसे ईओक्यू होता है तो इसी तरह पीओक्यू भी एग्जिस्ट करता है. अब ये दैट इज अ न्यू थिंग फॉर यू कि किस तरह से आपने इसको पीओक्यू और ईओक्यू को हमने मैनेज करना है. और इसी तरह हमने एक देखना है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. क्या देखना है हमने, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल क्या है हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ क्यूडीएम, दैट इज नोन टू बी एज अ क्यूडीएम. तो ये चीजें हमने साथ साथ देखनी है कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है और किन बेसिस पे इन्वॉल्व है. हम लोगों ने देखना है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल क्या है, और इन्हीं के हिसाब से रीऑर्डर पॉइंट क्या है और रॉबस्ट मॉडल कौन सा है, कौन सा है रॉबस्ट मॉडल कौन सा है, और उसको हमने किन बेसिस पे वैल्यूएट करते जाना है और किन बेसिस पे वैल्यूएट करके हमने उसे आगे लेकर आना है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडेज लेक्चर. यानी कि ये चीजें हमने इसमें कवर करनी है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉट साइज डिसीजंस को कवर करना है, इन्वेंट्री मॉडल्स को करना है, ईओक्यू करना है, रॉबस्ट मॉडल करना है, रीऑर्डर पॉइंट है, और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल करना है. क्या करना है हमने, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, और साथ ही हमने कौन सा करना है, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. कौन सा करना है हमने, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, की क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल कौन सा है और वो क्या करता है. ठीक है ना, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉट साइज डिसीजन, इन्वेंट्री मॉडल्स, ईओक्यू, रॉबस्ट मॉडल, रीऑर्डर पॉइंट, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. तो दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स. के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने ये चीजों को साथ लेकर आगे चलना है. तो स्टार्टिंग वन बाय वन, पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं. पहली चीज आती है जी, डिटरमिन हाउ शुड द ऑर्डर बी मेड एट वन टाइम, एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आएगा, यानी कि मतलब क्या, पहला क्या, डिटरमिन How much should be the ordered at one time? कि एक टाइम पे ऑर्डर कितना बड़ा देना है. That is a very good major question you can say. कि एक टाइम पे मेरा कितना ऑर्डर जाना चाहिए, कितनी अमाउंट, कितने यूनिट्स मुझे वन टाइम में मंगाने चाहिए, या वन टाइम में मुझे ऑर्डर्स इतने आने चाहिए, या वन टाइम मुझे इतने ऑर्डर्स मंगाने चाहिए. How much should be ordered at one time and when should an order be placed? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वन इज नोन टू बी एज ऑर्डर साइज एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम. कि कितना लीड टाइम होना चाहिए और कितना ऑर्डर हमें एक टाइम पे मंगाना चाहिए. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्डर, कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर कितना है और कैसे आना चाहिए. लॉट साइज डिसीजन रूल्स आ गए. लॉट फॉर लॉट ऑर्डर एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड. अब क्या चीज आ रही है, ऑर्डर एग्जैक्टली What is needed? यानी कि जितना हमें required है उतना ही order करो. कितना करो, जितना हमें order required है उतना ही करो. तो lot for lot, order exactly what is needed. यानी order वही करना है exactly that is needed. तो lot for lot आ गई, order exactly what is needed. तो lot for lot आ गई है, order exactly what is needed. कि जो हमें order exactly required है वही order करना है. तो that is known to be as a lot for lot. क्या कहते हैं इसे हम, लॉट फॉर लॉट. के हमारे पास लॉट फॉर लॉट साइज इतना हमारे पास डेवलप हो रहा है. फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी. क्या कहते हैं उसे हम, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी. कि हम कहें जी हमें जितना जरूरत है वो नहीं, हमने जितना मंगाना है वो हम हर सूरत मंगाएंगे, चाहे सेल हुआ है या नहीं हुआ. तो दैट इज नोन टू बी एज अ आर्बिट्ररी. उसे हम कहते हैं फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कहते हैं उसे हम, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी. तो फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी में क्या आ जाते हैं आप, आर्बिट्ररी, जिसमें हम कहते हैं कि व्हाट, नो मैटर व्हाट इज बीइंग यूज्ड और व्हाट इज बीइंग नॉट यूज्ड, तो फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड. ऑर्डर एंड पीरियड सप्लाईज. क्या हुआ, ऑर्डर एंड पीरियड सप्लाई सेटिस्फाइज डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ डिमांड. यानी ऑर्डर एंड पीरियड सप्लाई, यानी कि जितने पीरियड की सप्लाई की ऑर्डर करेंगे सेटिस्फाई डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ डिमांड. यानी जितने पीरियड की हम सप्लाई का ऑर्डर करेंगे उतने पीरियड की सप्लाई को इसे सेटिस्फाई करना जरूरी है. यानी जितने ही पीरियड की मैंने सप्लाई दी उतने ही पीरियड की मैंने सप्लाई देना जरूरी है. ऑर्डर एंड पीरियड सप्लाई सेटिस्फाइड डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ डिमांड. यानी गिवन पीरियड ऑफ डिमांड्स में
देखना है और उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई करनी है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ ऑर्डर एंड पीरियड सप्लाई. एंड पीरियड सप्लाई हमारे पास इस बेसिस पे आनी है एंड सेटिस्फाई डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ डिमांड. कि सेटिस्फाई कर सकें डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ डिमांड. कि गिवन पीरियड ऑफ डिमांड के हिसाब से हम उसे सेटिस्फाई कर सकें या सेटिस्फाई करके आगे ले जा सकें कि हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व हैं या ये चीजें हमारे पास साथ साथ चल रही हैं. नेक्स्ट चीज जो हम देख रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री मॉडल फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड. कि क्या क्या इन्वेंट्री मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट डिमांड. नीड टू डिटरमिन व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर. नीड टू डिटरमिन व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर. ये कितना डिपेंडेंट. नीड टू डिटरमिन व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर मीन्स क्या है कि जितना क्या कितना अब कितना करना है और कब ऑर्डर करना है. कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है. दैट इज नीड टू बी डिटरमिन्ड. यानी इसको डिटरमिन करना बहुत जरूरी है या इसको डिटरमिनेशन में लाना बहुत जरूरी है. बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज ला रहे हैं हम. बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई है. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी आ गई एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. ये तीनों मॉडल हम वन बाय वन करके आज डिस्कस करेंगे और इनको फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. तो पहले देखेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल कौन सा है. प्रोडक्शन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सा है. तो यानी दैट इज ईओक्यू. अगेन देखें यहां पे ईओक्यू दैट इज पीओक्यू एंड दैट इज क्यूडीएम. क्या है हमारे पास. दैट इज क्यूडीएम. कि हमारे पास क्या आ गया. हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. क्या आ जाएगा हमारे पास. क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. कि जो हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है उसी के हिसाब से हम आगे लेकर चल रहे हैं. तो दैट इज बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल. की क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल क्या है और उसी को लेकर हम फर्दर आगे लेकर चल रहे हैं. हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे इन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. दैट हाउ इट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड हाउ इट इज बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ इट इज बीइंग इवॉल्व्ड. सो दैट इज नोन टू बी एज योर इन्वेंट्री मॉडल जिनको हमने यूज करना है फॉर इवेल्युएटिंग द डिमांड और फॉर साइजिंग ऑफ द डिमांड और फॉर इवेल्युएशन ऑफ द फर्दर डिमांड्स. पहली बात करते हैं बेसिक ईओक्यू मॉडल. किसकी बात करते हैं. बेसिक ईओक्यू मॉडल की इंपॉर्टेंट अजम्पशन याद रखिएगा. जो भी कोई मॉडल है वो विदाउट अजम्पशंस वर्क नहीं कर रहा होता. तो जब कोई मॉडल विदाउट अजम्पशंस वर्क नहीं कर रहा होता तो दैट मींस कि वहां पे कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं. इसी तरह ईओक्यू भी विदाउट अजम्पशंस नहीं है. देयर आर अजम्पशंस दैट आर इन्वॉल्व. कुछ अजम्पशंस उनकी भी इन्वॉल्व हैं. और वो अजम्पशंस क्या है. डिमांड इज नोन कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. यानी कि जो डिमांड है दैट शुड बी नोन फिक्स्ड. यानी कि सही तरह नोन हो. कांस्टेंट होना जरूरी है. यानी कि वो कांस्टेंट भी रहे ओवर द ईयर चेंजिंग ना आ रही हो. एंड इंडिपेंडेंट हो. यानी इंडिपेंडेंट भी हमारे पास साथ ही हो. लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट. यानी लीड टाइम भी सबके बारे में नोन हो और कांस्टेंट हो. यानी लीड टाइम भी नोन एंड कांस्टेंट. रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट. यानी रिसीट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो फॉरन रिसीव हो रही हो और कंप्लीट हो रही हो फॉरन. तो क्या है. रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट. यानी रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट. कंप्लीट है एंड इंस्टेंटेनियस है. क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल. कि जिसमें हमारे पास कहेंगे जब ईओक्यू की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स वो कहते हैं नहीं भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यू कैन से कि हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. बिकॉज क्वांटिटी डिस्काउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता व्हेन वी टॉक अबाउट ईओक्यूज. किसी बात करते हैं हम जब ईओक्यू की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिस्काउंट नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती कि यार इसमें भी कोई क्वांटिटी डिस्काउंट एग्जिस्ट कर रहा है. ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड आर सेटअप एंड होल्डिंग. यानी ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट. ये वेरिएबल कॉस्ट है. यानी ये इसमें कॉस्टिंग वेरिएबल नहीं है. सिर्फ हमारे पास होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इज वेरिएबल. अदरवाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए. फिक्स होनी चाहिए. दैट इज पर ऑर्डर. स्टॉक आउट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड. यानी स्टॉक आउट हम इसमें क्या करते हैं कंप्लीटली अवॉइड करते हैं और अवॉइड करके उसके बाद हम फर्दर उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट अजम्पशंस जिसमें हम कहते हैं डिमांड इज नोन कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. लीड टाइम इज नोन एंड कॉन्स्टेंट. लीड टाइम क्या होना चाहिए. नोन एंड कॉन्स्टेंट. रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट. रिसीट ऑफ इन्वेंट्री क्या हो. इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट हो. क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल. क्वांटिटी डिस्काउंट क्या हो. दैट आर नॉट पॉसिबल.
ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेरिएबल कॉस्ट हो, सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट ही सिर्फ वेरिएबल हो, बाकी कोई भी वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट ना कर रही हो, बाकी कोई भी वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट ना कर रही हो. सो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ अजम्पशंस ऑफ अ बेसिक ईओक्यू. यानी और ये याद रखिए, ये सारी सारी अजम्पशंस आपको जहन में रखनी है, बिकॉज आप इनको जहन में रखेंगे तभी वो आगे चीजें डेवलप हो सकती हैं या डेवलप होकर हमारे सामने नजर आएंगी. ठीक है ना, तो द डिमांड इज नॉन कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट. और उसके बाद आ रही थी स्टॉक आउट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड. स्टॉक आउट को क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं. सो दैट मींस इंपॉर्टेंट अजम्पशंस आर देयर, बेसिक ईओक्यू मॉडल इज देयर. यानी बेसिक ईओक्यू मॉडल हमारे पास क्या है और किन बेसिस पे डेवलप हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उन ईओक्यू मॉडल्स को कैसे आगे लेकर चलना है या कैसे उसको फर्दर डेवलप करके आगे लाना है. तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिमांड नोन होना जरूरी है, लीड टाइम नोन होना जरूरी है, रिसीट ऑफ इन्वेंट्री जो वो इंस्टेंटेनियस हो, क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट पॉसिबल, ओनली कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट, एंड स्टॉक आउट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टॉक आउट दैट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड. स्टॉक आउट को हमने क्या करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है कि हमारे पास स्टॉक आउट नहीं है. तो देन अगेन डिमांड नोन, लीड टाइम नोन, रिसीट इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं हो सकता, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड कैरिंग, एंड स्टॉक आउट इज कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड. कि स्टॉक आउट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, हम उसे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, यानी अवॉइडेंस की तरफ हम उसे लेकर जा सकते हैं. सो दैट मींस डिमांड इज नोन, लीड टाइम इज नोन, रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड. यानी स्टॉक आउट कैन बी कंप्लीटली अवॉइड, जो भी स्टॉक आउट है उसको हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं कि यानी इतना हमारे पास स्टॉक आउट जो है वो हमारे पास डेवलप हो रहा है या होने जा रहा है. सो दैट इज नोन टू बी एज योर अजम्पशंस या इंपॉर्टेंट अजम्पशंस जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है कि दैट इज द केस, और इसी को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, या इसको यू कैन से कि वी कैन आइडेंटिफाई इट एंड वी कैन डेवलप इट. तो दैट इज नोन टू बी एज अ ईओक्यू मॉडल. क्या कहते हैं, हम ईओक्यू मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, या दैट कुड बी आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन ऑल्सो. सो दिस इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट ईओक्यू मॉडल, एंड दीज आर द अजम्पशंस दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ईओक्यू. तो ईओक्यू के अजम्पशंस को जहन में रखना है जब भी इसको अप्लाई करना है, बिकॉज ये अगर अजम्पशंस ब्रेक होगी तो ईओक्यू मॉडल वैलिड नहीं रहता. ईओक्यू मॉडल की वैलिडिटी में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ईओक्यू मॉडल में वेरिएशन आ जाती है, इसी वजह से उसमें डिफरेंसिएशन नजर आना शुरू हो जाते हैं. दैट इज द बेसिक अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू मॉडल, ये ईओक्यू मॉडल की बेसिक अजम्पशंस हैं. ओके, नेक्स्ट चीज है इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम, कि इन्वेंट्री यूजेज कैसी होनी चाहिए ओवर टाइम. अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं जी इन्वेंट्री लेवल है, ये मिनिमम इन्वेंट्री, ये टाइम है. अगर मैंने क्या किया, एक दफा टॉपअप किया ऑर्डर क्वांटिटी को, कि भर दी पूरी इन्वेंट्री, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वेंट्री कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहां पर हमारे पास दोबारा आ जाएगी. समझ रहे हैं बात को. अब यहां पर हमें क्या चाहिए, दोबारा टॉपअप चाहिए होगा. कहां चाहिए होगा हमें, दोबारा टॉपअप चाहिए होगा कि ताकि हमारे पास दोबारा से फिर यही बैलेंस या यही स्लांट हमारे पास चल पड़े. इन अदर वर्ड्स, ये हिल्स एंड वैलीज, बकायदा पहले एक इन्वेंट्री डाउन हुई, फिर दूसरी चली, फिर दूसरी डाउन हुई, फिर दूसरी चली, तो इसी के बेस पे हम लोग चलते हैं. दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम. ये क्या कहलाती है हमारे पास, इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम. कि इन्वेंट्री का क्या यूजेज है ओवर टाइम, कि ओवर टाइम में इन्वेंट्री क्या चलती है और कैसे चलती है और किन बेसिस पे मूव कर रही होती है. तो ऑर्डर क्वांटिटी क्यू, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल एंड टाइम. मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है, और उसको हम लोगों ने कैसे और किन बेसिस पे एडजस्ट करना है, कैसे और किन बेसिस पे हमने क्या करना है, उन्हें एडजस्ट करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम आ गई है एंड इन्वेंट्री लेवल्स. अब यहां देखें तो क्यू लेवल्स भी आ रहे हैं. अब आगे देखें तो दोबारा, अब यहां क्या हो रहा है, देखें वही मैंने भी कहा था कि क्या हो रहा है, यहां पर खत्म हुई तो यहां से हम आप फौरन क्या करेंगे, आप ऊपर लेके जाएंगे इसे, फौरन आप इसे क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके गए, फिर भरा, फिर हमारे पास यहां पर आ गया, फिर हमारे पास इंक्रीज कर गया, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे. सो दैट इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री यूजेज. और ईओक्यू इसी बेस पे चलता है, इन्हीं पहाड़ियों पे ईओक्यू. ईओक्यू जो है वो कहता है यहाँ पे ये जो फिल्मेंट है ये कांस्टेंट रहेगी, जो फुलफिलमेंट है वो क्या होनी चाहिए, दैट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट, यानी उनमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट ना करें.
तो यानी हम लोग कहेंगे दैट इज ई ओ क्यू, क्या कहेंगे हमें इसे, ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो दैट इज नोन टू बी एज अ यूजेज रेट, क्या कहते हैं इसे हम, यूजेज रेट, कि यूजेज रेट हमारा इतना होगा या ऐसे एग्जिस्ट करेगा या इन बेसिस पे एग्जिस्ट करेगा। तो ऑर्डर क्वांटिटी क्यू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है, और उसी के हिसाब से यूजेज रेट भी आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, के टाइम के हिसाब से हमने कहा जी इतना यूजेज एक्सपेक्टेड है या इतना यूजेज हमें होगा या इतना यूजेज हमारे सामने नजर आना है, यानी इतना यूजेज हमारे पास नजर आने के चांसेस हैं, कि यानी इतना यूजेज हमारे पास है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम पे ये इन्वेंट्री यूजेज क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कैसे हमारे पास नजर आ रहे हैं, दैट इज हाउ द इन्वेंट्री वुड बी यूज्ड और हाउ इट वुड बी आइडेंटिफाइड, हमने उसे किस तरह से और किन बेसिस पे इन्वेंट्री को यूज करना है और कैसे इन्वेंट्री को यूज करके आगे चलना है। अब देखें एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड, अब क्या हुआ जो भी EOQ आया तो देयर इज Q डिवाइड बाय 2, तो हमने कहा जी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट, यानी इतनी इन्वेंट्री हमारे पास नजर आनी चाहिए और इतनी इन्वेंट्री को ही देखते हुए हमने उसे आगे लेकर चलना है। सो दैट इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 2, कितना है Q डिवाइडेड बाय 2 के हमारे पास इतना आ रहा है और इसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है हमारे पास, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 2 के हमारे पास इतनी एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड चल रही, कितनी चल रही है हमारे पास, एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड है। तो ऑर्डर क्वांटिटी क्यू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज देयर एंड मिनिमम इन्वेंट्री इज ऑल्सो बींग देयर, के मिनिमम इन्वेंट्री भी एग्जिस्ट कर रही है और मिनिमम इन्वेंट्री भी इसी को साथ लेकर चल रही है। तो दैट इज द यूजेज रेट, मिनिमम इन्वेंट्री, ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल एंड एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड इज नोन टू बी एज अ क्यू डिवाइड बाय 2, यानी इससे हमने मेजर कैसे करना है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जितना हमारे पास क्यू है उसी के हिसाब से हमने देके चलना है, यानी दिस इज द केस, यानी जिसको हमने यूज करना है और इसी के थ्रू हम लोगों ने इसे आइडेंटिफाई करना है या इसको एक्सप्लेन करते जाना है। Now the next thing is the minimizing of cost. किसकी है यार, minimizing of cost. Objective is to minimize total cost. Objective क्या होने चाहिए, minimization of total cost. कि हमने total cost को हर सूरत minimize करना है, क्या करना है हमने, total cost को हर सूरत minimize करना है। अब यहां पे अगर हमने मेरे total cost को minimize करना है तो पहले मैं बनाऊंगा holding cost. जैसे जैसे मेरे पास order ज्यादा आएगा holding cost बढ़ती जाएगी ना, पहले 10 यूनिट है आप कहोगे जी किसी रूम में रख लो, 20 यूनिट आप कहोगे अच्छा दो रूम कर लो, 50 यूनिट आप कहते हैं ओह ये तो गोडाउन खरीदना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट वो बढ़ती जा रही है, क्या करती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है या इंप्रूव करती जा रही है। तो जब वो इंप्रूव करती जा रही है तो दैट मींस कि वहां पे हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्टली यानी लीनियर फॉर्म में बढ़ती जा रही है, क्या करती जा रही है वो, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज करती जा रही है या बढ़ती जा रही है, जो भी हमारे पास फॉर्म में आ रही है या मिनिमाइज हो रही है कॉस्टिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं या कि जिस तरह भी हम उसे लेवल को आगे मूव करा रहे हैं कि हमारे पास इतनी लेवल आनी चाहिए और इसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे या फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट ऐसे आ रही है, ये आ रही हमारे पास सेटअप कॉस्ट यानी ऑर्डर की कॉस्ट। ऑर्डर की कॉस्ट क्या है जी, एनुअल कॉस्ट, यहां आ रही ऑर्डर क्वांटिटी, जैसी मैं ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो मेरे पास बढ़ती जा रही है। जाहिर बात है जितने मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करूं, क्या नाम है, कम करूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली जब मैं इन्वेंट्री ज्यादा परचेज करूंगा तो जाहिर बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा। अब देखें यहां मैं कहता हूं ऑर्डर क्वांटिटी, मैं इतनी सारी ऑर्डर वन ऑर्डर करता हूं एंटिटी, तो एक ही दफा में सारी हो जाएगी ना, तो जब एक दफा में सारी आ जाएगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी वन टाइम आई, लेकिन जैसी मैं इन्वेंट्री में ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो मैंने करने हैं वो बढ़ते जाएंगे तो वो आपके पास एक स्लांट बनता जाएगा, तो दैट इज नोन टू बी एज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या कहते हैं इसे हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें डेवलप हो जाती है। कर्व फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप, यानी क्या है जी, कर्व फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप, ये कर्व क्या है फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप। अब यहां पे क्या हुआ, इन दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास जो कर्व आया वो कैसा आया, वो इस किस्म का आया, वो किस किस्म का है, इस किस्म का है, और जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट कॉस्ट कहां पे है, दैट इज इक्वल टू दिस पॉइंट, दैट इज योर लोएस्ट पॉइंट, ये क्या कहलाता है आपका,
लोएस्ट पॉइंट है, यानी लोएस्ट पॉइंट आपका ऐसे या इन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहा है, और इन्हीं बेसिस पे आइडेंटिफाई करके हम उसे फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं. तो दैट इज द कर्व फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप. दैट इज वो दैट कर्व दैट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप, के जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और सेटअप को आगे लेकर चलेगा या आगे लेकर आइडेंटिफाई करेगा. तो दैट इज द केस दैट वी आर गोइंग टू सी, केस में कैसे आ रहा है. अब देखें यहां पे आ रही है आगे ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, और ये मिनिमम टोटल कॉस्ट. वहां से हमें पता लग रहा है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी है, और नीचे से पता लग रहा है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, यानी कि ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कितनी एग्जिस्ट कर रही है और कितनी हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब देखे ना यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जहां पे सबसे लोएस्ट पॉइंट था वहां से हमने इन्होंने स्टार्ट किया, जो भी आया हमने कहा जी ये ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है, और इसके कंक्रेंटली ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है. ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी सीन कि उसमें क्या चीजें आनी चाहिए. सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इस पॉइंट पे आपके पास होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट भी इक्वल होने, तो दैट हैज अ ग्रेटर इम्प्लीकेशन फॉर द फार्मूला डेवलपमेंट, के फार्मूला कैसे डेवलप होना है और किस तरह से डेवलप होकर आगे लेकर आना है. तो फार्मूला डेवलपमेंट भी हमने इसी को देखते हुए ही आगे लेकर आना है कि फार्मूला कैसे और किन बेसिस पे डेवलप किया जाए, क्या किया जाए, फार्मूला कैसे और किन बेसिस पे डेवलप किया जाए और उनको कैसे आगे लेकर जाया जाए, कि हाउ दे आर बींग आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर बींग फर्दर मूव्ड, कि हमने उसे कैसे और किन बेसिस पे मूव किया. That means we are going to move it. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि optimal order quantity ऐसे develop होती है और इसी में, और यहाँ पे हम लोग के पास ये जो point है that has a greater implication towards the economic order quantity, यानी ये हमारे पास further applications लेके आएगा कि economic order quantity को हमने कैसे और किन basis पे select किया है या identify किया है या उसने explain करके आगे लेकर आए हैं. So that is the objective is to minimize the टोटल कॉस्ट. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मिनिमाइजेशन ऑफ लो टोटल कॉस्ट, के टोटल कॉस्ट हमने क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है, और वही हमने यहाँ पे किया. दैट इज द मिनिमाइजेशन, के मिनिमाइजेशन की तरफ चल रहे हैं कि मिनिमाइज कॉस्ट को हमने कैसे और किन यू कैन से दैट के हमने इस कॉस्ट को कैसे और किस तरह से मिनिमाइज करना है. सो दैट इज द केस, और यही हमें गाइड देगा टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब ईओक्यू मॉडल की तरफ आते हैं. क्यू नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर क्या है, यहां पे नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स, सेटअप ऑर्डरिंग कॉस्ट और एच होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, यानी कि वो एस और एच से डिनोट हुई. तो एनुअल सेटअप कॉस्ट कितनी हुई, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर इन टू सेटअप और ऑर्डर पर ईयर, यानी कि सेटअप और ऑर्डर पर ईयर कितना किया. तो यहां पे हम लोग कहेंगे एनुअल सेटअप कॉस्ट, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दिए गए हैं उसको पर ऑर्डर की सेटअप कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट इज नोन टू बी एज अ एनुअल सेटअप कॉस्ट. क्या कहते हैं उसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज आ गई है, एनुअल सेटअप कॉस्ट, कि एनुअली मैंने किसी चीज को कैसे और किस बेसिस पे सेट अप करना है कि सेटअप हो जाए और सेटअप आइडेंटिफाई हो जाए. ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ ईओक्यू. क्या कहेगा हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ EOQ. तो EOQ मॉडल में हमने ये सारे के सारे नोटेशंस यूज करनी है जिसमें हमारे पास डेवलप्ड है Q नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, ऑप्टिमल नंबर, एनुअल डिमांड, सेटअप एंड यानी एनुअल डिमांड भी आ गई है, सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ईच क्वार्टर, ईच ऑर्डर होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, यानी कि पर यूनिट पर ईयर हमारे पास सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट इतनी होनी चाहिए. अब यहां पे हमारे देखो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, और सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट, और साथ ही मैंने क्या किया, सेटअप और ऑर्डर पर कॉस्ट पर ईयर, तो सेटअप कॉस्ट मैंने साथ इसे मल्टीप्लाई कर दी. आगे देखते हैं, अब यहां तक तो हो गया. उसके बाद क्या है जी, एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, दैट इज एस इक्वल टू डी क्यू, यानी एनुअल सेटअप कॉस्ट कैसे निकली, एस इंटू डी ओवर क्यू, यानी एस इंटू डी ओवर क्यू. क्या आ गया हमारे पास, डी ओवर क्यू हमारे पास सेटअप कॉस्ट आ रही है, और हमने ये सेटअप कॉस्ट ही को देखते हुए ही आगे लेकर चलना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी. अब यहां पे देखें तो अगले में आ रहे हैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी आ गई, एनुअल एवरेज इन्वेंट्री लेवल इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर. अब यहां क्या किया हमने, एवरेज इन्वेंट्री लिए, क्या लिया हमने, एवरेज इन्वेंट्री ली है इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है. तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय टू इनटू होल्डिंग कॉस्ट. तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज अ होल्डिंग कॉस्ट. क्या चीज आ रही है वो हमारे पास, दैट इज द
होल्डिंग कॉस्ट के होल्डिंग कॉस्ट हमने कैसे और किन बेसिस पे मैयर करना है या एवेल्युएटिव पर्पस को आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इज फाउंड व्हेन एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स टू द एनुअल ऑर्डर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। क्या चीज आ गई हमारे पास, एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल सेटअप कॉस्ट कितनी है और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो यहां पे हम कहेंगे कि वहां जब ये इक्वेट करते हैं तो ऑप्टिमल होते हैं ना, यही देखा था ना। यहाँ पे अगर मैं बैक पे जाऊं तो ये जो पॉइंट था, याद करें अगर आपको ग्राफ पे, इसमें क्या कर रहे हैं, होल्डिंग और सेटअप कॉस्ट सिमिलर है ना, तो इसी को हम यूज करते हैं, हम क्या बनाएंगे यहाँ पे उसका ऑप्टिमल का ओवरऑल सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑप्टिमल को देखेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, यकीन इन दोनों को बराबर पे रखा गया। क्या किया गया, होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इन दोनों को बराबर पे रखा गया, और इसी के थ्रू हम लोगों ने क्या निकालना है, दैट इज ईओक्यू मॉडल। क्या निकालना है हमने, ईओक्यू मॉडल। तो यहाँ क्या आ गया, दैट इज क्यू क्यू से मल्टीप्लाई टू डी एस आया, क्यू स्क्वायर आ गया, तो क्यू जो निकाला है दैट इज ऑफ टू डी एस ओवर एच, यानी टू डी एस ओवर एच, यानी ये हमारे पास डेवलप हो रही है, दैट इज नोन टू बी एज ईओक्यू मॉडल। क्या कहते हैं इसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है, दैट इज नोन टू बी एज ईओक्यू मॉडल, कि ये हमारे पास ईओक्यू मॉडल है जो हमारे पास चीजों को लेकर आगे आता है। और इसीलिए देखें यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों साथ साथ दी हुई है, गौर से। तो जब यानी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज एच इक्वल्स टू एच इनटू क्यू ओवर टू, क्या आ रहा है हमारे पास, एच इनटू क्यू ओवर टू। और यहाँ पे पूरा जो फॉर्मूला बना है क्या है, यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट टू डी एस ओवर एच। सो दैट इज द केस ऑफ दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू मॉडल। क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास एक तरह से ईओक्यू मॉडल जैसा वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, ईओक्यू मॉडल जैसा। अब देखना, डिटरमिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स टू ऑर्डर। क्या करना है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स टू ऑर्डर, के एक नीडल को ऑर्डर करने के लिए ऑप्टिमल नंबर कैसे निकाल लें। डी 1000 यूनिट डिमांड है, एस जो है 10 पर ऑर्डर है, 0.5 पर यूनिट पर ईयर है, तो 2DS है। तो यहां पे अब इफ यू आर गोइंग टू सी, तो 2V है, DV गिवन है 1000 यूनिट है, एस हमें दिया हुआ है 100, एच यहां पे हमें गिवन है, तो हमने कहा जी दैट इज ऑफ 200 यूनिट्स। क्या होता है हमारे पास, 200 यूनिट्स हैं जो हमारे पास डेवलप हो रहे हैं, और उसको ही हमने कहा जी ये हमारे पास दैट इज नोन टू बी एज अ ईओक्यू। क्या कहेंगे इसे हम, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी यू कैसे कि ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ये हमारे पास ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज में एग्जिस्ट कर रहा है। एन ईओक्यू एग्जाम्पल, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर क्या निकालना है हमने, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर, सो डिमांड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो मैंने कहा जी इतना हमारे पास 5 ऑर्डर आ रहे हैं, क्या है हमारे पास 5 ऑर्डर्स पर ईयर इज देयर, यानी कि 5 ऑर्डर्स पर ईयर हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे हैं, या 5 ऑर्डर्स हमारे पास सामने नजर आते हैं। डिटरमिन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ नीडल, तो एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर डिवाइडेड बाय एन, कि डिवाइड उसे किसे कर रहे हैं, हम उसे एन से डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर, कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, एन डिवाइडेड बाय एन, टी इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 50 डेज बिटवीन ऑर्डर। कितने डेज हैं उसके बीच में, 50 डेज हैं बिटवीन ऑर्डर के, बिटवीन ऑर्डर के उसमें 50 डेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द ईओक्यू एग्जांपल दैट वी हैव डन, यानी कि इससे हम लोगों ने कर लिया है, और इसी की बेसिस पे हम आगे फर्दर चीजों को लेकर चलेंगे कि किस तरह से हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर, यहां पे हमने कहा जी नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर, हमने कहा जी 250 है, कितने हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर 250 है, एंड एन इज द 5 ऑर्डर्स पर ईयर, क्या है हमारे पास, एन इज द ऑर्डर्स पर ईयर, दैट इज 5, तो दैट इज 50 डेज, That is 50 days between the orders. क्या चीज आ गई, दैट इज 15 डेज बिटवीन द ऑर्डर, तो दैट इज दैट 15 डेज इज बिटवीन द ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर में 15 दिन का फासला होता है, या 15 दिन का डिफरेंसेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज द केस जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे निकालना है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर हमने इसी तरह निकाला है, कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स थी, फिर हमने ईओक्यू निकाल लिया, फिर एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर जो निकला हुआ है दैट इज 50, वो कितना निकला है, दैट इज 50। देन टोटल एनुअल कॉस्ट, पहला क्या है जी सेटअप कॉस्ट, पहला क्या है हमारे पास, दैट इज ऑफ सेटअप कॉस्ट,
एंड प्लस होल्डिंग कॉस्ट, यानी टोटल टोटल कॉस्ट डीटीएस प्लस क्यूडीएस, और यहाँ पे दैट इज 1000 एंड दैट इज यू कैन से दैट इज अ 221. तो यानी हमारे पास क्या है, टोटल एनुअल कॉस्ट है, और एक्चुअल फार्मूला जो हमारे पास बन रहा है टोटल कॉस्ट का, वो दैट इज दिस वन. ये फार्मूला बन रहा है मेरे लिए टू वर्ड्स, दैट इज द फॉर्म, ये हमारे पास है, दैट इज ओनली टोटल कॉस्ट डी ओवर क्यू इंटू एस प्लस क्यू ओवर टू इंटू एच एंड टी सी इज इक्वल टू दिस वन. तो दैट इज ई ओ क्यू एग्जाम्पल, दैट हाउ इट इज बींग परफॉर्म्ड. अब यहां देखें 1000 यहां पे डी दिया हुआ था, 200 यहां पे आया हुआ था, क्यू 10 था, 200 250 आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज डॉलर 100. कितनी आ रही है मेरे पास, डॉलर 100, यानी इतनी कॉस्टिंग मेरे पास एग्जिस्ट करेगी या इतनी कॉस्टिंग मेरे पास आती है, जिसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग फर्दर आगे लेकर चलते हैं. तो दैट इज नोन टू बी एज योर टी टोटल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, क्या कहते हैं हम, टोटल एनुअल कॉस्ट. टोटल एनुअल कॉस्ट हमारे पास इतनी बन रही है, कितनी बन रही है, इतनी बन रही है, जिसे हम कहते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट. क्या कहते हैं हम, टोटल एनुअल कॉस्ट. द ईओक्यू मॉडल इज रॉबस्ट, कहता है ईओक्यू मॉडल क्या है, दैट इज अ रॉबस्ट फॉर्म है, और रॉबस्ट फॉर्म के हिसाब से हम देखेंगे, इट works इवन इफ ऑल parameters एंड assumptions आर नॉट मेट. ये तब भी वर्क करेगा जब सारी की सारी assumptions या parameters मेट ना की जाए. द टोटल कॉस्ट कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट इन द एरिया ऑफ ईओ क्यू, लेकिन जो टोटल कॉस्ट कर्व है, जिसकी वेरिएशन आती थी, जो इस तरह की होती थी, तो वो याद रखें, उसकी जो है रिलेटिवली अब क्या हो गई, वो बिल्कुल फ्लैट हो रही है, दैट इज द रिलेटिवली फ्लैट इन द एरिया ऑफ ईओ क्यू. कि जब भी हम ईओ क्यू से बात करते हैं, तो टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो एरिया फ्लैट कर देती, क्या कर देती है, वो एरिया को फ्लैटन कर देते हैं, यानी फ्लैट अप हो जाता है. नेक्स्ट ईओ क्यू एग्जाम्पल एक और देखें कैसे हुआ. अब वो कहता है मैनेजमेंट अंडर एस्टिमेट द डिमांड बाय 50%. वो कहता है जी मैनेजमेंट ने क्या किया, अंडर एस्टिमेट की हुई थी डिमांड बाय 50%. पता लगा जी डिमांड कितनी है, 1500 नहीं है हमारे पास डिमांड, 1000 नहीं 1500. क्यू जो है वो 200 है, 10 पर ऑर्डर है, 5 ऑर्डर है, 50 यूनिट्स एंड 50 डेज पे हमारा टीआर है. तो पहले हम निकालेंगे ईओक्यू. निकालने के लिए डी ओवर क्यू हमें गिवन है. अब मैंने क्या किया, यहां पे डी ओवर क्यू यहां पे निकालता जा रहा हूं. जो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी वो ये थी हमारे पास. हमने कहा जी 125, द टोटल एनुअल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25%, यानी टोटल एनुअल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25%. और उसकी रीजन ऑफ इंक्रीज क्या है, दैट इज अगेन, उसकी रीजन ऑफ इंक्रीज इज बेस्ड ऑन योर इंक्रीज इन डिमांड. कि जितनी डिमांड इंक्रीज कर गई, उसी तरह से टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज कर गई, टोटल कॉस्ट में भी इंप्रूवमेंट्स आ गई या इंक्रीज कर गई. तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय ओनली 25%, के 25% में इंक्रीज नजर आ रहा है. तो वही चीजें हैं, वही पैटर्न फॉलो किया गया, एंड द सेम पैटर्न इज बीइंग डन इन द फर्दर. ठीक है, और यही फॉर्मूला डी ओवर क्यू इज एस प्लस क्यू ओवर टू एच, यानी कि इसी तरह ही हमने चलना है होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट मीन्स के दैट मीन्स कि किस तरह कॉस्ट टू होल्ड, एंड सेटअप मीन्स कॉस्ट टू ऑर्डर. तो यानी हमने हर चीज को देखना है कि हमने किस बेसिस पे इसको इवेलुएट करना है और किन बेसिस पे इवेलुएट करके इसे आगे लेकर चलना है. अब यहां क्या हुआ, यहां पे गौर से देखें तो वही चीजें हैं. अब वहां पे 15 यूनिट से 244. अब वो कह रहे जी कि हमारे पास क्या एक्चुअल ईओ क्यू फॉर न्यू डिमांड इज 244.9. कितना है, 244.9 आई है नहीं, यानी कि ईओ क्यू उन्होंने दोबारा निकाली. कैसे ईओ क्यू दोबारा निकाली है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ईओ क्यू का, याद है ये वाला जो फर्स्ट वाला हमने पिक किया था, दैट इज दिस वन, ये तो ये हमारे पास जो आ रहा था दैट इज ईओ क्यू. तो ये वाला जो फॉर्मूला 2ds over h, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला था हमने इसी को यूज किया है और इसी को लेके चल रहे हैं हम आगे. और उसने कहा जी सपोज ने आया, तो अगर मैं यहां पे कहूं जी अंडर रूट 2ds over h, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो 2d कितना था, पहले 1000 था, 1500 आया, s कितनी थी हमारे पास 10, और h कितनी है हमारे पास 0.5. तो अंडर रूट सी बात है कि जब यहां 1000 की जगह कितना आ गया, 1500 आ गया, तो जारी बात है ओवरऑल EOQ भी चेंज होगी. तो जो इसका आंसर आया है दैट इज दिस मच, यानी यहां पे आया उसका 244.9 है. तो अब जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो यहां पे हमारे पास क्या गया, 244.9. तो हमारे पास जब उसके हिसाब से नई ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से गए, तो हमारे पास कितना है 122.48, जबकि हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो कितना था 125. तो डेफिनेटली कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है. क्या हुई है हमारे पास, कॉस्ट ओनली 2% लेस देन टोटल कॉस्ट ऑफ 125 व्हेन द ऑर्डर क्वांटिटी वाज 200. यानी कहता है सिर्फ ये जो फर्क आया है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 2%, यानी 2% से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फर्क है, फर्क एग्जिस्ट कर रहा है. तो दैट मींस कि हमारे पास फर्क एग्जिस्टेंस की
चीजें नजर आ रही हैं, दैट इज हाउ द डिफरेंसेस एग्जिस्ट, यानी ये इस तरह से डिफरेंसेस जो हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. दैट इज द ईओक्यू एग्जांपल जो वर्क करती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रीऑर्डर पॉइंट, कि व्हाट इज मेंट बाय रीऑर्डर. रीऑर्डर का मतलब है दोबारा ऑर्डर. तो क्या हमने एक दफा प्रोडक्ट मंगानी है? नहीं, हमने बार बार प्रोडक्ट मंगानी है. तो जब हमने बार बार प्रोडक्ट मंगानी है तो दैट मींस कि हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट्स भी जनरेट हो, कि किस टाइम पे किस जगह पे हमने रीऑर्डरिंग कर देनी है. ईओक्यू आंसर हाउ मच क्वेश्चन. ईओक्यू क्या आंसर करता है? हाउ मच क्वेश्चन से कितनी मंगवानी है. द रीऑर्डर पॉइंट्स टेल्स व्हेन टू ऑर्डर, यानी वो क्या बताता है? दैट इज व्हेन टू ऑर्डर. तो ईओक्यू आंसर्स हाउ मच क्वेश्चंस. द रीऑर्डर आरओपी टेल्स व्हेन टू ऑर्डर, क्या बताता है वो? व्हेन टू ऑर्डर. तो यहां पे हमारे पास पहले की चीज क्या आई? ईओक्यू आंसर्स हाउ मच क्वेश्चंस, क्या हाउ मच क्वेश्चंस है. द रीऑर्डर पॉइंट टेल्स व्हेन टू ऑर्डर. तो रीऑर्डर पॉइंट कैसे हो? डिमांड पर डे, क्या निकाला हमने पहले? डिमांड पर डे, लीड टाइम फॉर न्यू ऑर्डर्स इन डे, यानी न्यू ऑर्डर में लीड टाइम कितना है. तो डी ओवर एल किया, तो डी ओवर एल, सपोज मैं कहता हूं डिमांड पर डे 2 यूनिट्स है, डी ओवर एल 7 दिन है. तो जब मेरे पास 14 यूनिट्स बचेंगे, कितने बचेंगे मेरे पास? जब मेरे पास सिर्फ 14 यूनिट बचेंगे तो याद रखना मैंने रीऑर्डर कर देना, बिकॉज मेरे पास इससे ज्यादा का टाइम ही नहीं है. मीन्स क्या हुआ? मैंने कहा जी डिमांड पर डे कितनी है जी? 2 यूनिट्स है. और एल कितना लीड टाइम? मैंने कहा जी 7 दिन लगते हैं आने में, सामान को आने में 7 दिन लगते हैं. मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा जी जब 14 यूनिट्स मेरे पास सिर्फ रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 14 यूनिट सिर्फ रह जाएंगे, तो देन आई हैव टू गो फॉर रीऑर्डरिंग. किसकी तरफ जाना चाहिए मुझे? रीऑर्डरिंग की तरफ जाना चाहिए, कि रीऑर्डरिंग मेरे पास कितनी और कैसी है. और डी कैसे निकलता है? दैट इज डिमांड पर डे, दैट इज द डिमांड कंप्लीट ओवर ईयर, दैट इज डिमांड ओवर ईयर, that is equals to the number of working days in a year, that is number of working days in a year, कि कितने working days in a year exist कर रहे होते हैं. That is how much is the working days that exist in an year, कि एक year में working days कितने exist कर रहे होते हैं. That is the demand, that is number of working days in year, कि working days कितने exist कर रहे होते हैं in year. तो that how we calculate the reordering point. Reordering point याद रखना in दिन नहीं है, that is a ऑलमोस्ट यूनिट्स, के कितने ऑर्डर, कितने यूनिट्स रह जाएं तो आई हैव टू जनरेट अ न्यू ऑर्डर, यानी कितने दिन रह जाएं तो आई हैव टू जनरेट अ न्यू ऑर्डर, यानी कितने हमारे पास टाइम अमाउंट के यूनिट्स रह जाएं. तो यहां पे देखें, जैसे मैंने इसमें कैलकुलेट किया कितना था, 14 यूनिट्स अगर रह जाएंगे आई हैव टू रीऑर्डर. क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू रीऑर्डर, के रीऑर्डरिंग में मेरे पास उसी हिसाब से टाइम निकल रहा है. और नीचे जो फर्दर है वो दैट इज डी निकाला हुआ है, कि डिमांड पर डे कैसे निकलती, दैट इज डिमांड पर डे how it is being formed and how it is being developed. Reorder point curve कैसे होती है, देखिएगा कैसे होता है. अब यहां मैंने कहा जी Q है, अब Q आ गया मेरे पास, that is amount. यहां पे मैंने कहा जी ये मैंने fill up किया Q से, उसके बाद with the passage of time हमारे पास reduce आता गया, किसका? time का. इसका आता है with the passage of time use होता गया और यहां time गुजरता जा रहा है, ठीक है ना. अब मैंने कहा जी suppose यहां पे जो time है, यहां पे मैंने कहा जी पहला 10 तारीख आ गई, 20 तारीख आ गई, एंड दैट इज 27 तारीख, यानी 10 तारीख आ गई, 20 तारीख आ गई, एंड दैट इज सपोज 27 तारीख एंड दैट इज 30. तो दैट मींस कि हमने यहां पे क्या किया, इसकी सेग्रीगेशंस कर दी. तो अब मैंने अगर यहां पे मैंने क्या करना है, रीऑर्डर पॉइंट क्या लेके आना है मेरे पास, रीऑर्डर पॉइंट पे लेके आना है. तो मैंने कहा जी कि मेरा रीऑर्डर किस टाइम होना चाहिए, मेरे पास पूरा रीऑर्डर एग्जैक्टली 7 डेज बिफोर हो जाए. कितना हो जाए मेरे पास? 7 डेज बिफोर मेरे पास रीऑर्डरिंग आ रही हो. क्या आ रही हो मेरे पास? 7 डेज बिफोर रीऑर्डरिंग आ रही हो, और रीऑर्डरिंग के लिए मेरे पास ये पॉइंट आ गया. कितना आ गया? ये पॉइंट आ गया जो मुझे गाइड करेगा कि हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट कर्व कैसे वर्क करती है. क्या करती है? रीऑर्डरिंग पॉइंट कर्व कैसे और किन बेसिस पे वर्क कर रही होती है, हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ इट विल बी बेसिस, कि इसकी बेसिस क्या है और किन बेसिस पे ये डेवलप होके आगे चल रही होती है या आगे आइडेंटिफाई हो रही होती है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर, कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. अब यहां मैंने कहा जी ये मेरे पास आ रही है और यही हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट है. अब एक चीज और देखें, जब यहां पे हमने अनाउंस कर दिया तो उसके बाद ये हमारे पास चल रहा है चलता जा रहा है यहां तक, एंड में जाएगा यहां हमारे पास ऑर्डर रिसीव होगा, अगेन यहां पे चला जाएगा एंड देन मूव्स इन द सेम मैनर. सो दैट इज यहां से फिर आपके पास कोई आ जाएगा, क्या नाम है, रीऑर्डरिंग पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद आपने अगेन देन
इस फॉर्म में लेते जाने, किस फॉर्म में लेते जाने, इस फॉर्म में लेते जाने जिसमें स्लांट्स हमारे पास नजर आते जा रहे हैं। तो रीऑर्डर पॉइंट कर्व्स वर्क्स लाइक दिस, यानी इस तरह से रीऑर्डरिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं या वर्क करके सामने नजर आ रहे होते हैं। अब रीऑर्डरिंग पॉइंट कैसे निकलता है, अब देखना यहां पे 8000 iPod at 250 वर्किंग डेज है, लीड टाइम 3 है, डी निकालेंगे डिमांड 8000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज 250 आ गए। तो उन्होंने कहा जी तो टोटल यूनिट्स जो आपको चाहिए, यानी कि मतलब आपके पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो हमारे पास कितने थी, 32 यूनिट्स हैं, दैट इज डिमांड पर डे, डिमांड पर डे 32 यूनिट्स, लीड टाइम 3 डेज। तो हमने कहा जी 96 यूनिट्स इज योर ओवरऑल रीऑर्डर पॉइंट, यानी जैसे ही आपके पास 96 यूनिट्स रह जाएंगे तो यू नीड टू रीऑर्डर फॉर द यूनिट्स और व्हाट यू कैन से अ प्रोडक्ट, यानी कि उसे आपने फौरन ही क्या करने देना है, रीऑर्डर की तरफ ले जाना है। किसकी तरफ ले जाना है, आपने रीऑर्डर की तरफ ले जाना है कि रीऑर्डर हो जाएगा तो उसके बाद ये चीजें आसान हो जाएंगी या आसानी से डेवलप हो जाएंगी। सो दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट, क्या कहते हैं इसे हम, रीऑर्डर पॉइंट। दैट इज 32 यूनिट्स पर डे इनटू 3 डेज इक्वल्स टू 96 यूनिट्स, यानी कितना है हमारे पास, 96 यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज द केस ऑफ यूनिट्स एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, क्या आ रही है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी कैसे वर्क करती है, किन बेसिस पे वर्क करती है, हाउ डज इट परफॉर्म्स, वो परफॉर्म कैसा करती है, यूज व्हेन इन्वेंटरी बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर प्लेस, यानी कि यूज व्हेन द इन्वेंटरी बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इन आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस, यानी कि जब हमने ऑर्डर एक प्लेस कर लिया है। यूज व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली, ये तब यूज किए जाते हैं जब यूनिट्स जो है जैसे जैसे बन रहे हो वैसे वैसे बिकते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे जैसे बन रहे हो जैसे उसी तरह ही ये बिकते जा रहे हो। दैट इज यूज व्हेन द इन्वेंटरी बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इन्वेंटरी इज प्लेस, यानी कि क्या होगा, यूज वेन इन्वेंट्री बिल्ड अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इन्वेंट्री जब बिल्डअप होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस, जब आपने एक ऑर्डर को प्लेस कर दिए। यूज वेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली, ये तब यूज ज्यादा की जाती है जब यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ ही यूनिट्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और साथ साथ ही यूनिट्स सेल आउट भी हो रहे हैं, यानी सेल भी यूनिट्स की बढ़ती जा रही है या सेल उसी के हिसाब से इंक्रीज करती जा रही है। So that is the case that is known to be as a production order quantity model. के हम क्या कहेंगे इसे, हम production order quantity model. अब यहां पे देखें तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, देखिएगा, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी साइकिल ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी इसके साथ साथ ही लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑफ अगेंस्ट राइज एंड आफ्टरवर्ड्स And afterwards it goes in the down manner. Yani kab ja raha hai? Afterwards it goes into the down manner. The part of inventory cycle during which production and usage is taking place. Yani ki wo part hai jisme production and usage dono hi jagah le rahe hote hain, jagah lekar baithe hote hain. So that is the maximum inventory humne nikali hui hai isme. Uske baad hamare paas that is the case ki yahan pe humne kaha ji that is demand part of cycle with no production. Yani ki ye kya hua? Demand part of cycle hai with no प्रोडक्शन, तो ये इस हिसाब से चल रहा है और उसी हिसाब से इसको वेरिएंट करा रहे हैं जिस हिसाब से इसने वेरिएंट होना है। अब प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आ गया, क्यू नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, एच होल्डिंग कॉस्ट, टी लेंथ ऑफ टाइम, टी क्या हमारे पास, दैट इज ऑफ लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम कितना है, तो दैट इज दैट होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन इन डे, पी डेली प्रोडक्शन रेट, डी डेली डिमांड रेट, डी पी डेली प्रोडक्शन रेट एंड डी डेली डिमांड रेट, कि जितनी हमारे पास डिमांड होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतरी है। तो एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलनी, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर पीरियड पर ईयर, तो दैट इज एवरेज इन्वेंट्री लेवल, एनुअल इन्वेंट्री लेवल इक्वल टू मैक्सिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय टू, यानी एवरेज इन्वेंट्री लेवल कैसे करना है, मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय टू, कि कितना मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है उसको हमने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय टू कर देना है, क्या कर देना है उसे हमने डिवाइडेड बाय टू कर देना है। और उसी के लिए यहाँ पे देखें मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन एंड टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एग्जाम, तो यानी वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी के हमारे पास क्या चीज आ रही है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल है और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, क्या है हमारे पास, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, यानी इन्वेंट्री लेवल हमारे पास एक मैक्सिमम लेवल को टच किया हुआ है।
प्रोडक्शन मॉडल में देखते हैं क्यू नंबर ऑफ पीसेस, डेली प्रोडक्शन रेट, होल्डिंग कॉस्ट, डेली एल एट डेली प्रोडक्शन रेट. तो टी क्या है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन रन इन डेज, यानी क्या है टी इज द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन इन डेज, यानी कि लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन क्या है इन डेज दैट इज बीइंग सीन. तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज देयर, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन एंड द टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी कि टोटल यूज कितना हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, के प्रोडक्शन रन के दौरान कितना यूज हुआ है. तो पी टी डिवाइड बाय माइनस डी टी. हाउ एवर क्यू इक्वल टू द टोटल प्रोड्यूस इक्वल टू पी टी एंड दस टी इक्वल टू क्यू ओवर पी, यानी टी किसके इक्वल है क्यू ओवर पी के. मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पी इक्वल टू क्यू ओवर पी, डी इक्वल टू डी इंटू पी क्यू ओवर पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस पी, यानी क्या हुआ 1 माइनस डी पी, 1 माइनस डी पी. क्या चीज आ गई हमारे पास, 1 माइनस डी पी पे एग्जिस्टेंस आ रही. तो पी क्यू पी आ रहा है, डी क्यू पी आ गया, क्यू 1 माइनस डी पी आ रहा है. तो होल्डिंग कॉस्ट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है, डिवाइड बाय 2 है, यानी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय 2. तो क्या कहेंगे, क्यू बाय 2 1 माइनस डी ओवर पी, 1 माइनस डी ओवर पी इंटू एच, यानी क्यू 2 इंटू 1 माइनस डी ओवर पी इंटू एच, यानी कि ये हमारे पास टोटल क्या कहलाएगा, दैट इज नोन टू बी एज आर होल्डिंग कॉस्ट. क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक तरह से होल्डिंग कॉस्ट है, यानी होल्ड कर रहे हैं, यानी होल्डिंग कॉस्ट में ही से आगे लगा रहे हैं. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर यहाँ पे निकला है, सेटअप कॉस्ट डी ओवर क्यू डिवाइड बाय एस ए, डी ओवर क्यू डिवाइडेड बाय एस ए. और उसमें क्या हुआ, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट 1 ओवर 2 एच क्यू 1 माइनस डी पी, 1 ओवर 2 एच क्यू 1 माइनस डी पी, डी ओवर क्यू इंटू एस 1 बाय 2 एच क्यू 1 माइनस डी पी, 1 बाय 2 एच क्यू इंटू 1 माइनस डी पी, यानी 1 बाय 2 एच क्यू कितना है और 1 माइनस डी पी हमें क्या बता रहे हैं. सो दैट इज द केस. और क्यू 2 कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 2 डी एच इज इक्वल टू एच 1 माइनस डी पी एंड 2 डी एस 1 माइनस डी पी. तो यानी डी पी यानी कि हमारे पास क्या हुआ, 1 माइनस डी पी हमारे पास आ रहा है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास एक तरह से प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी है. क्या चीज है हमारे लिए, ये तरह से प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी है कि हमने प्रोड्यूस कितना करना है, कैसे करना है और किस बेस पे आइडेंटिफाई करना है. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एग्जाम्पल देखते हैं. डी जो है वो 10,000 है, एस 10 है, एच जो है 5 है, पी जो है That is 8 units per day. P क्या है हमारे पास, 8 units per day. So that is H is equal to 0.5 per unit per year. और 2DS 1 minus DP. ये किसके लिए चल रहा है, for production order. ये original से different है. जो economic order quantity है उससे different है, बाकियों में चल रहा है. So 2 into 1000 into 10.151 4 bed equals to 80,000. और यहाँ पे equals किया तो 283 hub caps exist. और क्या करेंगे हमें, 283 हब कैप्स एग्जिस्ट, के हब कैप कितना है और हब कैप एग्जिस्ट कितना है. सो दैट इज द केस, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कहते हैं इसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी में आ रहा है. तो दैट इज कि यहाँ पे हमने डी भी निकाला, एस एच ये भी गिवन है, और हमने साथ ही इसमें ऑप्टिमल ऑर्डर भी निकाली, यानी ऑप्टिमल ऑर्डर भी निकाली, यानी ऑप्टिमल ऑर्डर वैल्यू क्या वैल्यू निकाल लिया. तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन, दैट इज नोन टू बी प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एग्जांपल. आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं, दैट इज अब यहां क्या निकालना है, दैट इज डेज डिमांड पर डे. क्या निकाल रहे हैं हम, डिमांड पर डे. क्या निकाल रहे हैं हम, डिमांड पर डे. डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज द प्लांट इज इन ऑपरेशंस. तो 1000 डिवाइड 250, तो दैट इज अगेन 4 आ रहा है. कितना आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है. और 4 आ रहा है, तो यहां पे मैंने कहा व्हेन एनुअल डेटा आर यूज्ड द इक्वेशन बिकम्स दिस फॉर्म. 2DS यहां पे आना चाहिए, क्यों, डी डिमांड एस फॉर सेटअप कॉस्ट, एच जो है होल्डिंग कॉस्ट, 1 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, डिमांड रेट. डिमांड रेट कितना है, यानी कितनी डिमांड है एनुअल बेस पे, और एनुअल प्रोडक्शन रेट कितना है. क्या चीज, एनुअल प्रोडक्शन रेट कितना है और किन बेसिस में वो आगे वर्क कर रहा है. EOQ, EPQ यानी प्रोडक्शन क्वालिटी के जो एग्जांपल है, HP लिमिटेड प्रोड्यूसर प्रीमियम प्लांट फूड इन 50 नंबर बैग्स, डिमांड इज 100,000 पाउंड्स पर वीक, दे ऑपरेट
50 weeks a year. HP produces 250,000 lamps per week. Setup cost per week. Setup cost is 200 and annual holding cost is 0.55 per bag. Calculate EPQ. Determine the maximum inventory level. Calculate the total cost of using EPQ. ये क्या cost है total EPQ की उनको manage करने की. तो 2DS 1 minus DP है. यहाँ पे आ गया EQ max I max जो आ रहा है that is Q into 1 minus DP आ रहा है. क्या आ रहा है वो 1 minus DP. तो यहाँ पे कहेंगे EPQ के लिए क्या करेंगे D over S और IMAX divided by 2 into H, यानी कि ये हमारे पास 2 into H हमारे पास नजर आ रहे हैं. EBQ 2DS 1 minus TB and 1 minus TS. So that is again the same thing. अब यहाँ पे क्या हो EPQ के हिसाब से results निकाले तो कितने आए 777,850 bags. 77,850 1 minus 10 200,250 that is known to be 46,000 bags and TC 50,000 divided by 77,850 200 plus 46,710 क्या आ गया 46,710 divided by 2 into 0.55 तो ये हमारे पास आ गया 50,790 exist कर रहे हैं. Quantity discount models क्या चीज आ गई है. Quantity discount model reduced prices are often available when larger quantities are purchased. अब क्या हुआ reduced prices are often available when large quantity are purchased, यानी कि जब आप prices को ढूंढने जाते हैं तो often available होती हैं reduced prices क्योंकि जब large quantity ने purchase किया होता तो they left over there. Trade off between reduced product cost and increased holding cost. Trade off between reduced product cost and increased holding cost कि हम क्या करें increased holding cost करें और reduced product cost को आगे लेकर चलें. Total cost setup cost plus holding cost plus product cost so that is known to be as a यानी कितना आ जाएगा हमारे पास that is of setup cost plus holding cost plus product cost कि setup cost भी है holding cost भी और साथ ही क्या है product cost भी exist कर रही है. A typical quantity discount schedule. Discount number 1, 2, 3. Discount quantity 99, 1000, 20,000. Demand no discount 4,005%. But discount price jo hai, that is 4.75, 4.80, 5.00. Steps in analyzing the quantity discount. Ke quantity discount ko humne kis tarah se analyze karna hai aur kin basis pe analyze karna hai. Steps in, for example, for each discount calculate Q. Steric. If Q steric for discount doesn't qualify, if Q steric for a discount doesn't qualify, choose the smallest possible order size to get discount. यानी वैसे ही आप एक smallest possible path लें to get the discount के जिससे हमें क्या मिल जाए discount मिल जाए और discount की valuations भी नजर आ जाए. Compute the total cost for each Q steric or adjusted value of the step 2. यानी adjusted value of step 2 क्या है तो compute the total cost of each Q. यानी क्या हुआ तो compute the total cost of each queue and the adjusted value for the setup 2. Select the queue that gives the lowest total cost. यानी क्या कर सकता है lowest total cost है. तो that exists. यानी कि ये चीजें हमारे पास exist कर रही होती हैं. अब यहां देखें तो quantity discounted total cost curve क्या है lowest point क्या है यहां पे आ गए और ये आपके पास total cost curves हैं. क्या है ये हमारे पास total cost curve है यानी total cost curve को हमने मूव नहीं करना. तो अगेन यहां पे भी देखें तो आपका break even यहां लाइक कर रहा होगा. तो that is the case यानी आप कह सकते हैं total cost in dollars divided by order quantity. Total cost divided by order quantity यानी order quantity हमारे पास existence में नजर आ रही है. So that is known to be as a quantity discount models. क्या कहते हैं उसे हम quantity discount models. So that is the case that happened. यानी एक that is known to be as a quantity discount models. अब यहाँ पे आ रहे total cost curve for discount 3. यहाँ पे जो yellow वाली है Q for steric discount is below allowable range of you can say that is what we can say कि यहाँ पे आपके पास discount है तो वहाँ पे allowable range at point and must adjust upward for 1000 units. यानी कि उसे adjust भी कब करना चाहिए upward for 1000 units के 1000 units के हिसाब से उसे upward पे adjust हो जाना चाहिए. अब quantity discount model आ गया. Then again Q find करना है तो वही 2DS और H. तो यहाँ पे हमें 700 cars to order. यहाँ कितना है हमारे पास 714 cars to order. Next में 718 cars to order. और अब if I am going to say कि what is the reason behind तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला वही लगा है EOQ वाला. किसका लगा है वो फॉर्मूला
EOQ का लगा है और EOQ ही हमें गाइड करेगी वेयर वी आर गोइंग टू मूव इट. सो दैट इज द केस दैट इज बीइंग डन. तो दैट सेवंथ दैट इज 714 कार्स पर ऑर्डर एंड 718 कार्स पर ऑर्डर के 718 कार्स भी इसी में आ रही हैं. अब यहां देखिए 718 कार्स अब एडजस्ट किया तो क्या हुआ 701,000 एंड 2,000 यानी कि 2,000 तक हमने इसको एडजस्टमेंट दे दी है. डिस्काउंट नंबर यूनिट प्राइस ऑर्डर क्वांटिटी प्रोडक्ट कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट यानी जितनी भी कॉस्ट है अगर मैं इस सबको प्लस कर दूंगा तो देन अगेन मेरे पास यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी. तो दैट इज अगेन यू कैन से दैट 250,000, 250,700 है या 2,024,725 एंड 23,750 क्या है हमारे पास 23,750 एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि दैट इज द केस यानी ये हमारे पास इन सिस्ट में नजर आ रहा है. Choose the price and quantity that gives the lowest total cost by 1000 at 4.80 per unit. So that is the case that is known to be as a quantity discount model. क्या कहते हैं इसे हम? ये हमारे पास एक तरह से क्या है? Quantity discount model के quantity को मैंने कैसे discount करना है और कैसे लेकर आगे चलना है. EOQ at lowest price 9. Is it feasible? EOQ 99 है. That is 12,020 divided by 1.80. That is 516 cap heads. Since EOQ of 516 is not acceptable, calculate the total asset for each price to make decisions. Okay, each price to make the decisions. So that is the case. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे since EOQ of 516 is not reasonable, calculate the total cost C for each price to make decision. C10 अब वहां पे क्या कह रहा है C10 12,000 डिवाइड बाय 490 20 9000 10,000 यानी हर तरह का कॉस्ट को उसने लिया है इसको भी लिया है इसको भी लिया है एंड इसको भी लिया तो 120,000 12,000 4,000 9,000 यहां पे वेरी बात है थोड़ा सा यू कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग हमेशा इसी तरह ही करनी है और इन्हीं बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलनी है. द 4,000 हेड्स एट 9 सेव्स 19,300 एनुअली यानी इतने हमारे पास 19,300 एनुअली होते हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 22. व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे वी हैव स्टडीड ऑल द आइटम्स ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटीज. ईओक्यू मॉडल देखा है प्रोडक्ट एंड ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल देखा है और साथ ही हमने क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल देखा. क्या देखा हमने? क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल देखा. तो जब हमने ईच एंड एवरी डिस्काउंट देखा है तो दैट मींस वी हैव नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट द कैलकुलेशंस एंड अदर अटेम्प्ट्स यानी हमें कैलकुलेशंस और उसको साथ साथ हमने लेकर आगे चलना है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है किन बेसिस पे करना है. ये भी हमने बोले फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो बीइंग देयर एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन लेक्चर नंबर 24. लेक्चर नंबर 24 में हम इसे कंप्लीट करें या कंप्लीटली आइडेंटिफाई करें. सो इसीलिए हमने अभी जो आज देखा दैट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पोर्शन. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कवर अप इन अ न्यूमेरिक फॉर्म. किस फॉर्म में? न्यूमेरिक फॉर्म में कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं. सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 23. अल्लाह हाफिज.